ಅಂತ ನಾ मेरी सुबह हंसते हंसाते बोली अग तेरे लिए संदेशा है हाँ है जी हाँ सुबह हो चुकी है। ये व्लॉग का दूसरा पार्ट है मेरा अलीबाग का, तो पूरी डिटेल वीडियो मैं आज शेयर करने वाली हूँ। वीडियो जरा भी स्किप मत करिएगा क्योंकि आप मिस कर जाएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज। तो आज यहाँ का मैं बुफे दिखा रही हूँ फिरोज गार्डन का, थोड़ा सा गार्डन की झलकियाँ दिखाऊंगी, स्विमिंग पूल दिखाऊंगी, वर्सोली बीच दिखाऊंगी, अलीबाग सिटी दिखाऊंगी। और अलीबाग सिटी दिखाने के साथ साथ बहुत ही फेमस, जहाँ बहुत लंबी लाइन लगती है, बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट अलीबाग का मैं आपको बताऊंगी, और लाइव ऑर्केस्ट्रा यहाँ का दिखाऊंगी, और साथ में बहुत ही बेहतरीन डिनर भी दिखाऊंगी, बताऊंगी कि कैसा मिलता है यहाँ पे। तो वीडियो स्किप करेंगे तो बहुत मिस कर जाएंगे। अगर आप अलीबाग जा रहे हैं तो आपके लिए ये सब पॉइंट्स बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो ये है फिरोज गार्डन की सुबह सुबह की बहुत ही बेहतरीन धूप, जो हम लोग अक्सर मिस करते हैं। मिस मत करा करिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये धूप आपके लिए, विटामिन डी का बहुत ही रिच सोर्स है सुबह की धूप। तो हम लोग थोड़ा सा स्विमिंग पूल में शावर लेने के बाद तैयार हो रहे हैं अलीबाग सिटी की तरफ। आज हम लोगों का प्लान है सिटी कवर करने का, तो हम लोग निकल चुके हैं अपनी सवारी पे। ये है अलीबाग का रास्ता, अलीबाग की सड़कें, अलीबाग का एनवायरमेंट, यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ की रोड्स। वैसे बता दूं रोड्स यहाँ की बहुत अच्छी है। तो देखते ही देखते हम लोग अलीबाग सिटी पहुंच चुके हैं। तो सिटी से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 5-10 मिनट का रास्ता है अलीबाग बीच का। अच्छा खासा क्राउड है यहाँ पे, आप देख सकते हो बहुत सारे होटल्स बीच के सामने हैं। आप आएंगे तो यहाँ भी सर्च कर सकते हो, वाटर स्पोर्ट्स सारे चालू है यहाँ पे। हेलो, किसे आगे जाएंगे? सारी राइड्स भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो कैमल राइड है, हॉर्स राइड है, और ये जो मोटर बाइक है इसकी भी ये सब राइड्स अवेलेबल है। हेलो एवरीवन, हम लोग आए हैं अलीबाग बीच। बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत सारी राइड्स है यहाँ पे, आप देख सकते हो मेरे पीछे। ये मैं बता दूँ कैमल राइड का जो चार्ज है वो 150 रुपीज है पर पर्सन। ये देखिए यहाँ पे जो शेल है, सी शेल, ये देख सकते हो आप लोग, सी जो बोलते हैं, बहुत सारे कलरफुल सी आंटी ने रखा था और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। वैसे मैंने बहुत बार्गेनिंग करने के बाद 100 रुपीज की सीशल को 80 रुपीज में लिया। वैसे बहुत खुशी होती है ना जब बार्गेनिंग करके हम लोग अपना कुछ पैसा बचा लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम कर दिया हम लोगों ने, बहुत अच्छी मार्केटिंग की। इसका था आपको बेसब्री से इंतजार। सलमान रेस्टोरेंट हम लोग आ चुके हैं। जी हाँ, अलीबाग का बहुत सिटी में बहुत फेमस रेस्टोरेंट है ये, बहुत लंबी लाइन लगती है। क्या आपको पता है आधे घंटे की वेटिंग के बाद हम लोगों का नंबर आया है? पहले तो हम लोगों ने लाइन में जब हम लोग लगे थे, हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा क्या है यहाँ के खाने में जो इतना लोग वेट कर रहे हैं, कहीं और भी जाके खा सकते हैं, इतनी लंबी लाइन लगी है यहाँ पे, जरूर कुछ तो बात होगी। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए।
एम्बियंस यहाँ का बहुत अच्छा है, दो डिवाइडेड है एसी और नॉन एसी। बहुत वेटिंग के बाद हम लोगों को नॉन एसी में मिला। हम लोगों ने ऑर्डर किया पॉम्फ्रेट थाली, सुरमई थाली और प्रॉन्स मसाला विद भाकरी रोटी। दिखने में तो इतना गजब का लग रहा था, इतनी तेज भूख लग रही थी देख के कि ऐसा लग रहा था जल्दी से खाएं हम लोग। ऐसे येलो येलो सालन तो कुछ अलग ही दिख रहा था, ऐसा लग रहा था फटाफट से ट्राई करते हैं। बहुत ज़बरदस्त, इसकी डिटेल वीडियो मैं आपको शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। खाना हमारा हो चुका, मैं बता दूं सन्मान रेस्टोरेंट बहुत ही रीजनेबल होने के साथ साथ जायका भी बहुत अच्छा था। हम लोग अब निकल चुके हैं वर्सोली बीच की तरफ। यहाँ पे इतनी सारी बकरियां देख के मुझे तो गांव की याद आ गई। शाम ढल रही है, सुबह हम लोग निकले थे, दिन ख़त्म हो रहा है, पहुंच चुके हैं वर्सोली बीच। आप देख सकते हो जैसे कि अलीबाग बीच में बहुत क्राउड था, वैसे ही वर्सोली बीच में भी बहुत ज़्यादा क्राउड है। ज़्यादातर बीच में भीड़ और बढ़ जाती है जब सनसेट का टाइम होता है, तो कुछ इसी टाइम पे हम लोग भी पहुँचे लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया, तो सनसेट मिस हो गया। बट कोई नहीं, यहाँ पे खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पानी पूरी से लगा के, थाली से लगा के, फ्राई वगैरह, पॉपकॉर्न, लेस, बच्चों के लिए बिस्किट्स, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। होल्ड, ये आंटी अंकल को आप देख रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगे, इनकी वीडियो मैंने स्पेशली निकाली कि इतनी एज होने के बाद दोनों लोग साथ में घूमने आए हैं, वो भी इतने स्टाइल से, बहुत अच्छा लगा। मैं जानती तो नहीं हूँ लेकिन मैंने इन्हें रिकॉर्ड किया। ये देखिए ऊपर सारे खाने के ऑप्शंस हैं, आप बीच व्यू बैठ के खाना अपना या नाश्ता या स्नैक्स एंजॉय कर सकते हो। ये बच्चों की राइड जो है ये 50 रुपीज है और ये जो साइकिल है ये 100 रुपीज है। 2% के लिए है लेकिन ये बहुत हार्ड थी, हार्ड टू हैंडल, सच में बहुत जाम था तो ये चल ही नहीं रही थी ठीक से। तो कुल मिला के मैं कह दूँ कि आप कोई भी बीच जाएंगे, सारे वाटर स्पोर्ट्स से सारी राइड्स भी आपको मिलेंगी, कोई भी बीच में जाके आप एंजॉय कर सकते हो, राइड्स ले सकते हो, ऐसी कोई भी टेंशन की बात नहीं है और क्राउड आपको अच्छा खासा हर बीच पे मिलेगा। तो ऐसा कुछ डरने की भी बात नहीं है कि बहुत सन्नाटा है या ये है वो है। तो राइड्स लेने के बाद हम लोग थोड़े सा सोचा, हम लोगों ने कुछ चाय शाय पिया जाए, शाम का टाइम हो रहा है, चाय का टाइम हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा था, ये सारे स्टॉल्स में लाइटिंग, सब लोग अपना खाना बना रहे हैं अंदर अंदर कंपार्टमेंट में, बहुत अच्छा लग रहा था। हुई शाम और गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो दिन ही बन जाएगा। इसी के साथ हम लोगों का एक दूसरा दिन भी खत्म होने को है, लेकिन आप उदास मत होइए, अभी मुझे बहुत कुछ दिखाना बाकी है, लाइव ऑर्केस्ट्रा विथ डिनर व्हाटएवर, बहुत सारी चीजें। पहले मैं आपको दिखा दूं यहाँ की शाम के साथ यहाँ का नज़ारा कैसे दिखता है। यहाँ अंदर से सामने बीच दिखती है और आराम से आप बैठ के सुकून से अपना खाना या चाय नाश्ता व्हाटएवर जो भी है एंजॉय कर सकते हो। तो हम लोग आ चुके हैं अपना रिजॉर्ट वापस, पिरोज गार्डन। बहुत अच्छा लगता है रात में भी यहाँ पे, ऐसा लगता है बड़ा सा बंगलो है और ज़्यादा लोग भी नहीं थे, ऐसा लग रहा था सब बंगलो हमारा ही है, आराम से घूमो एंजॉय करो। ये हमारा रूम था और वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा होता है, रुकिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये जो अंकल बैठे हैं और एक आंटी बैठी है, ये दोनों मतलब सिंगिंग करते हैं, बहुत अच्छी आवाज है इनकी। लाइटिंग्स के साथ इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको क्या बताऊं।
ये यहाँ का रिसेप्शन है। साइड में सारे गेम्स रखे हुए हैं, जो भी आपको खेलना है, बच्चों को खेलना है, आप खेल सकते हो। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। लाइटिंग्स के साथ तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा हम लोग जब घूम के आए, सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी थक गए थे, सुबह से हम लोग निकले थे। तो रेस्ट करने के बाद हम लोग निकले हैं डिनर पे। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ का लाइव ऑर्केस्ट्रा 10 बजे बंद हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे बॉनफायर स्टार्ट होता है। बहुत अच्छा लगता है, ये रिज़ॉर्ट बहुत अच्छा है और बहुत सुकून है यहाँ पे। अगर आप स्टेकेशन के लिए आते हो तो सच में आप बहुत रिलैक्स फील करोगे। तो इसी के साथ मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है, पार्ट 2 मेरे व्लॉग का ख़त्म होता है। बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ज़बरदस्त। इसी के साथ मेरे चैनल रेखता किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे हर ज़बरदस्त वीडियो आप तक पहले पहुँचे। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद अस।